Today uh, we will be starting the new topic that is your dry etching. Now, why we are interested in dry etching? Obviously, there are certain disadvantages related to your wet etching. So uh, we want to get rid of those disadvantages. One of the disadvantages is undercutting or over etching. So to get rid of that, we always

इट लेक्ट एज ए मास्क इसलिए जो हम एचिंग कर रहे हैं उसको लेयर को बचाने के लिए जो अंडरलाइंग लेयर लेरलाइन उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं रेजिस्ट यूज करते हैं इट विल एक्ट विज मास्क तो जितने भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं जैसे कि आप जानते हैं हम एस को एज ए मास्क यूज कर लेते हैं then we also use silicon nitride and sometimes हम कुछ मेटल्स को भी डिपोजिट कर देते हैं डिपोजिटेड मेटल्स किस लिए करते हैं हम ये we want under layer to be preserved कि जैसे सपोज आपका ये स्ट्रक्चर है इसके ऊपर आपने क्या किया एक मास्क लगाया हुआ ये दिस इज योर मास्क तो what वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर कि ये वाला जो है पोर्शन एच ओ जाए और इसको कुछ भी ना हो ये एज इट इज ई रहे सो दिन ऑफ यूजिंग दिस इज एक्स पर्टिकुलर एरिया तो आप नॉर्मली जो मटीरियल यूज करते हैं या तो सिलिकन ऑक्साइड या सिलिकन डाई ऑक्साइड या सिलीकन नाइट्राइड या कुछ मेटल्स भी डिपॉजिट करते हैं टू एक्ट एज ए मास्क अब इनकी प्रॉब्लम क्या है जो ये मास्क है उनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें आइर दे आर अमोरफस इन नेचर या तो अमोरफस होते हैं या उनको हम कह सकते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं तो अगर आप इसकी वेट टैचिंग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है वेन वी लुक फॉरवर्ड की हम इसकी वेट टैचिंग कर रहे हैं तो जो आपका एच रेट होता है नॉर्मली वो होता है आइसोट्रोपिक जब हम टर्म आइसोट्रोपिक यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका लेटरल रेट है और जो वर्टिकल रेट है दैट मीन्स इस डायरेक्शन में एचिंग और इस डायरेक्शन में एचिंग वो दोनों सेम है तो उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक तो अगर एच एफ हम थिकनेस मानते हैं किस चीज की थिकनेस मानते हैं हम ऑफ द लेयर मटेरियल कि जिसकी आपको एचिंग करनी है ठीक है और एल हम मानते हैं लेटरल डिस्टेंस वी एज्यूम दिस टू बी लेटरल डिस्टेंस एच अंडरनेट, थ दो हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं एएफ के लिए उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एन तो उसके अंदर क्या होता है एएफ इज इक्वल टू वन माइनस एल बाय एच ठीक है तो एल क्या है आपका <coughs> थिकनेस है एल है लेटरल डिस्टेंस एच की लेटरल डिस्टेंस कितना होता है रजिस्ट के अंदर तो अगर आप इसको आर वन रेट माने और टी टाइम में हो रहा है ये और ये सॉरी आर एल ये आर बी रेट है ये भी टी टाइम में हो रहा है क्योंकि दोनों का टाइम तो बराबर ही लग रहा है तो इट कम्स टू वन माइनस आर एल बाय आर बी अब क्या होता है कि जब आपके दोनों रेट सेम हैं, तो ये वन हो गया वन माइनस वन इज जीरो तो ऐसा हम नहीं चाहते वट वी एक्चुअली वॉन्ट वी वॉन्ट दिस टू क्लोज टू यूनिटी ये जो आपका ए है दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू यूनिटी बाकी जो आपका लेटरल रेट है वो कम हो वर्टिकल रेट ज्यादा हो तो इस टर्म को हम नॉर्मली क्या कहते हैं ये डिग्री ऑफ एनाइसोट्रोपिक और इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेजर करने के लिए कि आपका जो पर्टिकुलर एचेंट है वो किस तरीके से एचिंग करेगा एंड सो मेनी अदर थिंग्स अब हम बात करते हैं मेजर डिसएडवांटेज की किस चीज की कि आप वेट एचिंग यूज करते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट एचिंग क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि जब आप पैटर्न ट्रांसफर करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कहाँ से एक मास्क से उधर तो अंडर कटिंग हो जाती है अंडर कटिंग ऑफ द लेयर अंडर मास्क के अंदर से आपकी कटिंग हो जाती है ये एक प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से क्या होता है आपका लॉस ऑफ रेजोल्यूशन हो जाता है कि आप चाहते तो कुछ और है पैटर्न लेकिन वन कुछ और रहा है तो so, जो प्रैक्टिकली एक क्राइटेरिया है कि क्या होना चाहिए कितनी आपकी लॉस ऑफ रेजोल्यूशन होना चाहिए एचिंग के टाइम वो है कि The film thickness should be about one third or less than resolution required. ठीक है रेजोल्यूशन क्या होता है आपका कि दो चीज़ों में आप डिफरेंस देख सकें दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन तो इसमें क्या है कि जो फिल्म की जो थिकनेस है वन थर्ड होनी चाहिए जितना भी रेजोल्यूशन है उसकी तब आप नॉर्मली आइसोट्रोपिक कैचिंग कर सकते हैं तो नॉर्मली हम जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं कि एन आइसोट्रोपिक होना चाहिए जी बट ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन हमने एक डिग्री फिक्स कर रखी है कि जो आपका जो ए है ये वन से कम होना चाहिए और ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए इसके बीच में तो एफ़ को हम प्रैक्टिकली क्लोज़ टू यूनिटी ले जाने की कोशिश करते हैं बट ऐसा होता नहीं है ठीक है तो अलग अलग एचिंग रेट हैं कि अगर आपकी एफ़ ज़ीरो होगी ए एफ़ अगर ज़ीरो होता है तो सपोज़ आपने एचिंग करनी है तो आपकी एचिंग कुछ इस तरीके की होगी यानी यहाँ भी एचिंग हो रही है और यहाँ भी एचिंग हो रही है तो ये अंडरकट हो जाता है लेकिन अगर आपका ए एफ वन होगा डिग्री ऑफ एनासोट्रोपी वन होगी तो आपकी परफेक्ट एचिंग होगी इस तरीके से मतलब ये आपका मास्क है तो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है तो ये जो रिसर्च है सारा इसी पे ही फोकस्ड है कि कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाए कि जिससे आपकी चीज़ें इंप्रूव हों। इसलिए रिसर्च चलता रहता है धीरे धीरे बेटर बेटर तो जो इसको बचने के लिए हमने अगर हम बात करें आजकल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है तो उसमें आप जो कन्वेंशन है उसे यूज नहीं कर सकते तो ड्राई एचिंग हमने डेवलप की हुई है तो उसमें दो तरीके की होती हैं एचिंग ड्राई हम पढ़ेंगे वैसे तो काफी टाइप है प्लाज्मा असिस्टेड एचिंग ये एक है और जो दूसरी है वो है आर आई ई दैट इज रिएक्टिव आयन एचिंग ट कोर्स बट माई होप ये आप लोगों को जितना भी पॉसिबल होगा मैं करवाऊँगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले तो अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए